कुछ अपनी अनुपमा के बिना जी पाएगा? नहीं जी सकता, नहीं जी सकता अनुज। अरे जीना तो छोड़ो, अपनी अनु के बगैर मर भी नहीं सकता यार। बाकी तुम अनुज को प्रेशराइज क्यों कर रही हो? You know what? I am done with you. Hey, even I am done with you. तू डिंपल से प्यार करता है? हाँ करता हूँ। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी जरूर होगी। अनुज, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे और अनु के बीच में जो भी है उसकी वजह से समर और डिंपी की शादी मत तोड़ो। तुम मेरी अनु के दोस्त बने हो ना, तो उस तक मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। उसका अनुज वापस आएगा, बहुत जल्द वापस आएगा, और उसके और अपने बीच सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि मेरे अनुज आने वाले हैं। अब आप दोनों को मेरी चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अनुज आएगा और खुशी खुशी रिस्पेक्ट के साथ अनुपमा को वापस अपने साथ अपने घर ले जाएगा। अनुज अभी आया नहीं, आने वाला है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपकी माया आपसे बहुत प्यार करती है, और अब मैं आपको अनुपमा के पास तो नहीं जाने दूंगी। सामान उनके बांधे जाते हैं जो कोई जा रहा होता है। आप माया को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। सबके लिए प्यार का मतलब एक जैसे नहीं होता। अनुपमा के लिए प्यार का मतलब खोना है, पर माया के लिए प्यार का मतलब पाना। मैं अपनी अनु के पास जा रहा हूँ। दो घंटे और।